पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे अगले परिंदे सरीश शर्मा और संध्या गुप्ता ने आविष्कार नाम की बच्चों की सीखने की जगह शुरू करी है, जहाँ वे गणित और विज्ञान के माध्यम से समाज के पिछड़े तबके बच्चों को सोचने और समझने की शक्ति दे रहे हैं और उन्हें इस लायक बना रहे हैं कि वो सही और गलत में फर्क कर सकें और उन पर सवाल कर सकें। तो चलिए सुनते हैं आविष्कार की कहानी। हम लोग दोनों पेशे से दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। हम लोग की पहली नौकरी टाटा स्टील में थी जमशेदपुर। 3-4 साल काम भी किया, कुछ पैसा जमा हो गया, फिर सोचा कि चलो और पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के लिए हम लोग अमेरिका गए। उसके बाद हम लोगों ने 10 साल नौकरी भी की और मुझे बोलना पड़ेगा कि हमको बहुत मज़ा आया, क्योंकि शायद अंदर से हम दोनों इंजीनियर्स ही हैं जिनको चीज़ें बनाना पसंद है। और अमेरिका में भी हम लोग काफ़ी समाज में शामिल थे। मैंने वहाँ पर एक स्कूल भी की भी स्थापना की। लेकिन 10 साल काम करने के बाद तो हमने जैसे पीछे देखा तो जो लड़की भी बड़ी हो रही थी तो हम चाहते थे कि वो अपने दादा दादी नाना नानी को जाने, अपनी भाषा अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रहे। और वो सोच के हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के 2009 में हम हिंदुस्तान वापस आ गए। तो जब हम लोग यहाँ हिमाचल पहुँचे तो एक बात ये भी थी कि जैसे सब शायद सभी माता पिता के मन में होता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए। मुझे लगता था कि शिक्षा तो ज़िंदगी में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन संध्या को फिर भी लग रहा था कि स्कूल देखने चाहिए। तो हमने शामली को, जो हमारे घर के बिल्कुल आधा किलोमीटर दूरी पर है, वो सरकारी स्कूल है, उसी में डाला। हम लोग 12-1 बजे जाते थे, यानी कि आधे समय के बाद 2-3 घंटे के लिए। तो वो भी जाती थी और हम लोग भी पढ़ाने चले जाते थे और उस तरह से हमारा नाता शिक्षा के साथ जुड़ने लगा कि हम लोग पढ़ाने लगे। तो हमने बहुत सारे तरीके निकाले थे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने स्कूल, प्राइमरी स्कूल का काम शुरू किया। लेकिन कुछ साल के बाद धीरे धीरे हमारा जो केंद्र है दिमाग का विज्ञान और गणित का। लेकिन जो साधारण स्कूल में जा रहे हैं उन लोगों को तक पहुंचने में ये दिक्कत होने लगी कि उनको तो एग्ज़ाम देना है और वो एक हकीकत है जो मैं अचानक से नहीं बदल सकता। तो मुझे ये भी समझ में आया कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमने तरीका उसका बदल दिया और उसमें जो बड़े बड़े बदलाव जो हमने किए उसमें एक तो ये था कि उसको एक वही उसका एक प्रसंग होना चाहिए, है ना। अचानक से नहीं शुरू हो जाना चाहिए, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया ये। और उसमें एक हाथ से अपने आप खुद से करके देखने का भी कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो उसमें हमको ये लगने लगा कि हमारे स्कूलों में जो चीज़ नहीं हो रही है वो है विवेक नहीं सिखाया जा रहा है, है ना। कि किसी चीज़ की विवेचना, विवेक होना कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर सवाल उठाना, क्योंकि हमारी संस्कृति में शायद सवाल उठाना अच्छा नहीं माना जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो हम सिखाना चाहते हैं विज्ञान में वो ये है कि विज्ञान के पास हर चीज़ का जवाब नहीं है। और ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान में क्या नहीं मालूम है उस पर भी बात होनी चाहिए। और हम बहुत सारे अलग अलग समाजों के साथ काम करते हैं, हमारी और कोशिश रहती है उन समाजों के साथ काम करने की जिन तक हमारी सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है वो नहीं पहुंच पा रही। तो हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से हाई क्वालिटी साइंस करते हैं। लेकिन ओवरऑल गोल जो है ना हमारा रहता है कि वो उनकी सोच अच्छी बने, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका अच्छा बने, यानी कि वो कल के नेता बन सकें अपने समाज को आगे ले जाने के। और वो उसका माध्यम हमने विज्ञान और गणित है।